ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली दरों में बढ़ोतरी सहित 6 सूत्रीय मांग को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मोहद्दीपुर विद्युत उपकेंद्र पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और ग्रामीणों के साथ विद्युत विभाग मनमाना रवैया अपना रहा है। विद्युत दरों में भारी भरकम बढ़ोतरी किया गया है, जिसे राष्ट्रीय लोकदल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी मांगों पर जल्द ही कोई उचित कार्यवाही नहीं किया गया तो राष्ट्रीय लोकदल का पोल खोल धावा बोल अभियान जन सहयोग से और तीव्र करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान धरने में रमेश सिंह सैथवार, रजनीकांत मिश्रा, विजय कुमार यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अभी तो अंगड़ाई है। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। वापस करो किसानों का बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। किसानों का बिल वापस करो, वापस करो, वापस करो। लड़ाई है। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चौधरी जय चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद। महानगर अध्यक्ष नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ये किसान और ग्रामीण विरोधी सरकार ने ग्रामीण विद्युत दरों को 260% से लगाए 350% तक की वृद्धि की है। हम उसी की वापसी की मांग कर रहे हैं। ये किस ये चीफ ऑफिस मोहद्दीपुर बिजली दफ्तर पे हम लोग का प्रदर्शन है और पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर आज राष्ट्रीय लोकदल प्रदर्शन कर रहा है और हमारी ये मांग है कि तत्काल इस बढ़े हुए दर को वापस किया जाए। अगर ये सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो ये जनता के लिए जो हमारा धावा बोल और पोल खोल कार्यक्रम चल रहा है और व्यापक पैमाने पर हम लोग आंदोलन चलाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।